हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल टाइगर वीएन में। आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर वन का, वो हो जाएगा सी, यानी कि बुर्बो वंश। क्वेश्चन नंबर दो, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर दो का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि सेडान। क्वेश्चन नंबर तीन, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर चार, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर चार का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर पाँच, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर पाँच का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर पाँच का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि लाहौर 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर छः, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो क्वेश्चन नंबर छः का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि रेशम मार्ग से। क्वेश्चन नंबर सात, बुजुर्गवा वर्ग कहते हैं? तो बुजुर्गवा वर्ग जो कहते हैं, मध्यम वर्ग को कहा जाता है बुजुर्गवा वर्ग, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आठ, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर नाइन, G8 की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर नाइन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1975 में। क्वेश्चन नंबर दस, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 11, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 15वीं लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी यूगोस्लाविया। क्वेश्चन नंबर 13, जिला परिषद मंत्री राज्य व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो तीसरा स्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जो कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी सीटें आरक्षित है, तो 50% सीट आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1985 में दल बदल कानून लागू हुआ। आगे का क्वेश्चन करेंगे। और अभी तक आपने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो निर्णय में देरी परंतु सर्वोत्तम फैसले, जो कि 18वें क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अशिक्षा लोकतंत्र के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की आर्थिक व्यवस्था है 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा
इनमें से सभी सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति आय आर्थिक कल्याण का आधार। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है डैश। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि शिवहर। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ जो है क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि उत्पादक के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? उत्पादक के साधनों की आय। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। हम जल्दी जल्दी वीडियो को आगे ले चलते हैं, इसलिए सिर्फ ऑप्शन का आंसर ही बोलते हैं। तो ठीक है, चलते हैं आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। एक रुपये का नोट जारी किया जाता है डैश। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, हमारे देश में किस मुद्रा का वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो पत्र मुद्रा, जिसको हम जैसे क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे आगे से। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? तो मुंबई को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 27, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है डैश से? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों के द्वारा, यानी कि कृषि द्वारा, उद्योगों द्वारा, सेवाओं द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि तीनों के द्वारा। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है किसके द्वारा? कृषि द्वारा, उद्योगों द्वारा, सेवाओं द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, वैश्विक के मुख्य अंग कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि उत्तरी बिहार, जो कि बिहार का सबसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्यकिरण। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो सूर्यकिरण, यानी कि सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि पेट्रोलियम। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 32, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि कर्नाटक। भारत का सबसे लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 33, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 1981 में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जो कि रोपण फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, चीनी उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, महाराष्ट्र हो जाएगा। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश भी चीनी उत्पादन में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 1853 ईस्वी में भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी को। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है उपरोक्त सभी को, यानी कि फसलों को, पशुओं को और भवनों को। क्वेश्चन नंबर 38, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि पटना। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार की पहली रेल लाइन थी। तो बिहार की पहली रेल लाइन जो थी वो थी बी, यानी कि ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।